जी बिल्कुल आसान तो नहीं था, और मैं ये सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने एबीवीपी के सारे वोटर्स को, अपने सारे कैंडिडेट्स को, मेरे प्रभारी को, जितने पदाधिकारी थे हमारे से जुड़े हुए, मैं उन सबको सबसे पहले बधाई और शुभकामना दोनों देना चाहूँगी। ये उन्हीं के कारण संभव हो पाया कि मैं जीत पाई आज, और आगे बस काम करना है। पहला काम क्या करेंगे विश्वविद्यालय के लिए? जी पहला काम तो हमारा रहेगा कि सेशन को ठीक कराए, वो पहला मुद्दा रहा है हमारा, और आगे भी मैं चाहूँगी कि मैं जल्दी से सेशन को ठीक कराना का कोशिश करूँगी। नेहा, जो लोग बोर्ड से दूर रहे उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आप तो अब सबके छात्र संगठन के जी देखिए वो क्यों नहीं आ पाए इसका तो जवाब मुझे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आगे की कोशिश करूंगी कि सबको साथ लेके ही चलूं। मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ तो सबको साथ लेके ही चलना है, और सबको जोड़ के रखूंगी, प्रयास मेरा यही रहेगा और सबके लिए काम करना है। एबीवीपी के बारे में क्या चाहेंगे? इतना भरोसा जताया तमाम लोगों में से आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना। जी तो उनका भरोसा साथ था तभी उन्होंने मुझे चूज़ किया, और उनका बहुत बड़ा जी नया करने से पहले तो जो पुराना चीज़ नहीं हो पाया है मैं उस पर ध्यान देना चाहूँगी, जैसे कि सेशन हमारा लेट चल रहा है उस पर मैं फोकस करना चाहूँगी, ताकि जो बच्चों का नुकसान होता है एक साल का वो ना हो, और बच्चे आगे की पढ़ाई कर पाए, आगे जो भी करना चाहते हैं वो समय से वो कर पाए। जी सबसे बड़ा सपोर्ट तो एबीवीपी का ही रहा है, तो मैं सबसे पहले एबीवीपी को ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और ये पहचान दी, तो उनको मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद रहेगा। मेरा नाम सौरभ हुआ, अभी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए चयनित हुआ हूँ विश्वविद्यालय के लिए, और सबसे प्रथम काम रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, चाहे टॉयलेट की हो या सीसीटीवी कैमरे सिक्योरिटी की, ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान एबीवीपी का रहेगा, सबसे प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी। संगठन के बारे में तो यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा से छात्रों के बीच रही है, छात्रों के बीच काम किए, जो आज छात्रों का जनादेश हमें हासिल हुआ है वो कहीं ना कहीं संगठन के कार्यों और इतने दिन के परिश्रम और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही आज हम इस परिणाम तक आ पाए हैं। आप बोल रहे थे कि सिनेमा हॉल में 220 से 221 आदमी नहीं बैठता है, छात्र क्लास में 400 लोग बैठता है। सर इसके लिए यूजीसी की जो मान्यता है हर क्लासरूम में एक टीचर पे 30 की संख्या, तो ये पूरी तरह से तो संभव नहीं होगा कि एक टीचर पे 30 की संख्या दी जा सके, परंतु हमारी कोशिश रहेगी मिनिमम 50 स्टूडेंट पे एक टीचर होना ही चाहिए। धन्यवाद। और यहाँ रांची यूनिवर्सिटी से संयुक्त सचिव पद पर चुना जीता हूँ। मेरा सबसे पहले मुद्दा यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं वो मतलब ट्रांसपोर्टिंग के सुविधा के कारण क्लास नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि मतलब उनके लिए कम से कम एक बस का व्यवस्था किया जाए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से छात्राओं को लाके यहाँ पे क्लास किया जाए, और टाइमली फिर जैसे स्कूल बस का रहता है सुविधा वैसे ही।